दोस्तों, मेरा नाम आशु है और मेरे चैनल डीजी आशु पे आप लोगों का स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में, इस पूरे सेशन में सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और फिर हम जाएंगे बहुत आगे तक। जैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना मैं बताऊंगा, इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड आपका अमेज़न एफिलिएट के बारे में बताऊंगा, फिर फेसबुक पे कैंपेन रन करना, फेसबुक पे रीच बढ़ाना, यूट्यूब पे काम करना, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले हम लोकल सर्वर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद गूगल में लिखेंगे, गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, जैम्प इंस्टॉल करेंगे। जैम्प डालेंगे, XAMPP। ये इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद आपका 64-bit डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने 64-bit डाउनलोड कर लिया। 64-bit डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर मैं हम देखते हैं। दोस्तों, इस चैनल में हम बहुत कुछ सीखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, और अगर आपको कुछ कोई कमेंट डालना हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम DGAshu7838 पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने देखा है कि जैम्प हमारा इंस्टॉल हो गया, अब डाउनलोड हो गया, सॉरी इंस्टॉल अब हम करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमने डबल क्लिक किया और यस पे चले गए। यस पर जैसे ही गए तो इसके बाद एक हमारे पास स्क्रीन खुल के आ जाएगा। स्क्रीन खुलने के बाद हम करेंगे ऑप्शन को फॉलो। ये देखिए, ओके कर देंगे इसमें हम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डालेंगे, फिर ये सब सेम ही रहेगा, बस नेक्स्ट हमें करना है। फिर किस फोल्डर में आप सेव कर रहे हो, तो मैं सी में ही कर रहा हूँ। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट होते चले जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, अब तो हम अपना एक सर्वर बन गया है एक टाइप का। आप जैम्प यहाँ पे सर मैंने क्या किया, पिन करके रख लिया, और आपको अगर चाहिए जो कि आप भी पिन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाके सर्च किए, सर्च करने के बाद आपने ये खोल लिया। खोलने के बाद आपके पास एक स्क्रीन खुलेगा। जब भी आपको लोकल सर्वर चलाना है, इस तरह करके जैम्प कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। इसमें हमें जो चाहिए होता है वो जनरली अपाची और MySQL चाहिए होता है। अगर सिर्फ आपको वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसमें डेटाबेस नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अपाची को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिसमें डेटाबेस से कुछ डेटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, MySQL को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, कहाँ पर हमने इसे सेव किया था, सी ड्राइव में हमारा फोल्डर बना हुआ था, तो इसी तरह हम सी ड्राइव में जाएंगे। यहाँ सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में जाने के बाद हम यहाँ पे जैम फोल्डर में जाएंगे। जैम फोल्डर में जाने के बाद हम STDocs में जाएंगे। STDocs में अगर हमें कोई नया बनाना है, तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। न्यू में जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट का नाम मान के चलिए हमारा क्या है, टेस्ट है ना, टेस्ट हमने एक फोल्डर बना लिया। अब टेस्ट के अंदर हम कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे अभी क्या डालना है कि index.php डालना है, ठीक है। तो हम आप अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं। मैंने सबलाइन किया हुआ है, ये बहुत अच्छा होता है।
कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे इसी फोल्डर में जहाँ पे हमने टेस्ट बनाया था यहाँ पे हमने डाल दिया इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कोड लिखेंगे HTML का, ठीक है। इसमें लिख दिए फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम, इसके बाद इसमें हमने लिख दिया H1 हेलो। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे जो कि इसमें, और अब आप अपने इस पे ब्राउज़र पे जाइए, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ब्राउज़र पे जाने के बाद आप क्या टाइप करेंगे, लोकल होस्ट बैक स्लैश टेस्ट, ये देखिए इसमें क्या हो गया, हेलो आ गया। अब हम आपके मन में ये हो रहा होगा कि ये लोकल होस्ट हेलो लिखने की क्या ज़रूरत था, हमने तो क्या करना था, इस पे जाके क्लिक कर देते, इस फोल्डर पे इस पे क्लिक कर देते तो ये खुल जाता। तो देखिए खुला तो है, लेकिन इसमें क्या है, एक लोकल पाथ डिसाइड किया गया है, ठीक है। लोकल पाथ हुआ, ये सर्वर नहीं हुआ। लोकल पाथ में क्या होता है, अगर जब आप ये PHP का, अगर मैं इसे ही क्या करूँ इंडेक्स डॉट HTML की जगह पे, अगर मान के चलिए मैंने इसे सेव एज करके इंडेक्स डॉट PHP लिख दिया, सेव एज, अब मैं इसे कर देता हूँ index1.php, PHP का फाइल या फिर कोई दूसरा भी। देखिए इसे हमने जब रन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट index1.php हमने डाला, तो देखिए अब आ गया नहीं है। लेकिन जब हम इस फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने सेव कर रखा है index.php को, इसे जब हम क्लिक करेंगे तो इसने, मैंने क्या किया, ब्राउज़र में खोला है। इसे आप खोल नहीं सकते डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में, ठीक है। मैंने इसे अपने टेक्स्ट एडिटर का फाइल दे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये प्रोग्राम फाइल खुलता है। तो जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वर्डप्रेस में, तो वो क्या होता है, PHP फाइल्स होते हैं, PHP फाइल्स होते हैं, और इसमें डेटाबेस का होता है, जिसके वजह से हमें क्या करना होता है, लोकल सर्वर जैम्प चलाना होता है। और इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे। होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और कोई भी दिक्कतें आए और इससे रिलेटेड कोई भी बातें पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।